गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हम इस क्लास ई क्लास में भारतीय दर्शन के बौद्ध दर्शन के चार सत्यों की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर कुमार ऋषभ, दर्शन शास्त्र विभाग, LNMS कॉलेज बीरपुर, सुपौल से। जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन का एक मुख्य भाग चार आर्य सत्य है, जो अपने BNS के पार्ट फर्स्ट में के सिलेबस में है, तो इसकी चर्चा हम आज करेंगे। बुद्ध के इन चार आर्य सत्यों को बुद्ध का उपदेश भी कहा जाता है, और जितनी बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध ने जितनी भी सामाजिक उत्थान के लिए उपदेश दिए या शिक्षाएं दी, उसका मूल निचोड़ चार सत्यों के माध्यम से हम जान सकते हैं, और उसके चार सत्यों का विश्लेषण हम उनके धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में पाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि यह चार आर्य सत्य का उपदेश उन्होंने सारनाथ में अपने पांच शिष्यों को दिया था, उसका सारांश है ये। जिस चार आर्य सत्यों का पालन करने से बुद्ध की ये मान्यता है कि हम सभी कष्टों से मुक्ति पा लेंगे और जीवन से भी मुक्ति पा लेंगे, अर्थात निर्वाण को प्राप्ति कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये चार आर्य सत्य निम्नमत है। पहला, संसार दुखमय है, जिसके दुखम सर्व दुखम जिसको कहते हैं पहले आर्य सत्य को, संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय, दुख का कारण है जिसे बोलते हैं। तीसरा है दुखों के नाश का उपाय है, तीसरा है इन दुखों के नाश, दुखों का नाश संभव है जिससे दुख निरोध कहते हैं। और चौथा आर्य सत्य है इन दुखों के नाश का उपाय भी है जिसे दुख निरोध मार्ग कहते हैं। तो पहला सर्व दुखम, दूसरा दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये चार आर्य सत्य हैं। पहला सत्य यह है कि सभी संसार की सभी वस्तुएं या सभी स्थितियों में देखते हैं कि तो दुख है। ये गौतम बुद्ध का मानना था कि संसार ही दुखमय है। किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म भी एक दुखमय है। जैसा ने उन्होंने जब बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ ने अपने बचपन में जब वो देखते थे इन दुखों को, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इन दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, कि यह संसार में केवल दुख ही दुख है। अपने आसपास के जितने भी वस्तुएं देखते थे, घटनाएं देखते थे, उससे बहुत दुखी हो जाते थे। तो उसका उत्तर उन्होंने जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई तब वो देते हैं। तब ये बताते हैं कि ये तो मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है या स्वाभाविक गुण है। संसार की सभी वस्तुओं तो दुखमय हैं, जैसा कि जन्म जरा मरण दुखमय है, जरा मरण के बाद किसी व्यक्ति के से अगर संबंध रखना चाहते हैं और संबंध नहीं हो पाता है वो दुखमय है, किसी व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहते हैं और हो जाता है तो दुखमय है,
वृद्धावस्था दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, संसार में की कोई भी अनुभूति है वो दुखमय है। जैसा कि हम देखते हैं वास्तव में हमारे जीवन का प्रत्येक अंग ही दुखमय है। इन सभी दुखों की चर्चा करके बुद्ध ने ये उपदेश दिया, ये ज्ञान दिया कि संसार दुखमय है, और आगे के आर्य सत्यों में उन्होंने इसके कारण चर्चा करी और उसके निरोध की बात करी, निरोध के मार्ग की बात करी। तो प्रथम आर्य सत्य में देखते हैं कि उनका कहना है कि संसार पूर्णतः दुखमय है। इस तरीके से हम देखते हैं कि उनके अब दूसरे आर्य सत्य की चर्चा करते हैं जिसे दुख समुदाय कहते हैं, अर्थात दुखों का कारण है। गौतम बुद्ध का ये मानता है कि जब हम यह जान लेते हैं प्रथम आर्य सत्य के माध्यम से कि दुख संसार दुखमय है, तो यह मन में प्रश्न उठता है कि क्या इस दुख का कोई कारण है या ये अकारण ही है। तब हम देखते हैं कि उन्होंने ये चर्चा करी कि प्रत्येक दुख का कारण है और इस कारणों की चर्चा वो करते हुए कहते हैं कि संसार के समस्त दुखों का कारण अविद्या है, और इस जरा मरण से लेकर के और अविद्या के बीच उन्होंने 12 कारणों की चर्चा की जिसे द्वादश निदान कहते हैं, और इस जरा मरण की प्रक्रिया के तहत उन्होंने बताया कि जरा मरण के का जो कारण है वो जाति है, जात के कारण भव है, भव का कारण, इस तरीके से एक एक करके 12 वो कारण बताया, और अंत में सब अंत जो कारण होता है वो अविद्या होता है, अर्थात सब संसार का मूल कारण जो है वो अविद्या को बताया। और उन्होंने इस द्वादश निदान के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश करी कि इन 12 कारणों कि हम चर्चा करने के बाद उपरांत में जब 12वें कारण पे पहुंचते हैं अविद्या, तो देखते हैं कि संसार का मूल कारण अविद्या है, और इसके निदान के लिए वो अगले आर्य सत्य में चर्चा करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनके तीसरे आर्य सत्य की बात करते हैं, तो देखते हैं कि इस तीसरे आर्य सत्य को दुख निरोध उन्होंने कहा है। इन दुख निरोध दुखों का नाश भी संभव है उसने कहा है, और इस आर्य सत्य में उन्होंने इतना ही बताया कि दुख है, दुख का कारण है, और दुख का नाश संभव है। बस इस आर्य सत्य में उन्होंने इतना ही चर्चा करी है, क्योंकि और उन्होंने ये बताया कि इस दुखों का कारण राग द्वेष क्रोध इन सभी अगर कारणों को अगर हम समाप्त कर लेते हैं तो हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। वो समाप्ति या जो कहेंगे कैसे होगी इसको वो अगले आर्य सत्य चौथे आर्य सत्य में चर्चा करते हैं कि अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं और उसके आधार पर बताते हैं। तो तीसरे आर्य सत्य में उन्होंने ये कहा है कि दुख के कारण का दुख का निरोध भी है, या मतलब उसके नाश का मार्ग भी है। दुख बस इतना ही इन्होंने चर्चा करी है। चौथे आर्य सत्य में उन्होंने कहा है दुखों का नाश संभव है और इसे दुख निरोध मार्ग कहा जाता है चौथे आर्य सत्य को। जब से कि हम ये जब ये जान जाते हैं तीसरे आर्य सत्य के माध्यम से कि दुख का निरोध संभव है, तो कैसे संभव है इस ये प्रश्न उठता है। तो फिर गौतम बुद्ध ने ये बताया कि इसके लिए हमें कुछ मार्ग की बात करी है कि अष्टांगिक मार्ग की बात करी, तो उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग से हम इस दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं और हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं दुखों को अंत चार अगर यदि हम अष्टांगिक मार्ग के
पे चलते हुए सही से उसके सभी मार्गों का पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने चार आर्य सत्यों के माध्यम से ये उपदेश दिया या ज्ञान दिया कि यदि संसार में दुख ही दुख है और इस दुख का कारण है, उस कारणों की चर्चा उन्होंने द्वादश निदान के माध्यम से की। फिर उन्होंने बताया कि इस दुख का निरोध भी है, कारण अगर यदि है तो इसका निरोध भी है और इन दुखों के निरोध का मार्ग भी बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग है और अष्टांगिक मार्ग के पे चलते हुए सभी मनुष्य इन जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाने की वजह से दिक्कत होती है अपलोड होने में, तो अब इसकी अष्टांगिक मार्ग की विस्तृत चर्चा अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।